सर्दियों में मजा आएगा। एक्सपर्ट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। मुझे तो बाबा चखना पड़ेगा ना। मॉल्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। चीफ गेस्ट आ गया हमारे। मछली मान नहीं रही पकने पे। दूर तक मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त हुसैन लखानी। वंस अगेन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का सीन ये है कि सीन को छोड़ें, आज का जो भी सीन है, पहले तो मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ कि जगह क्या है। तो ये देखिए, ये जो है वो हमारी रूफ टॉप है, छत है घर की, और ये दरवाज़ा वो बाहर सीढ़ियों से आता है। यहाँ से अभी कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे। अभी मैं आपको आज कुछ नए चेहरों से, नए दोस्तों से मुलाकात करवाऊँगा। और ये है हमारी रूफ टॉप। लाइटें सारी खुली हुई नहीं हैं, बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। उस फिलॉसफी में बिल्कुल भी अमल नहीं करता हूँ मैं, मेरा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि कुछ लाइटें ख़राब हैं, कुछ ही जल रही हैं। और सीन आज का ये है कि आज जो है हमने रखा है फिश बारबेक्यू पार्टी घर पे। कुछ नए दोस्तों से मुलाकात करवा रहा हूँ, कुछ नए, एक्चुअली वो आपके लिए नए हैं, आप लोग उनसे, आप लोगों की उनसे मुलाकात नहीं हुई है। उनके साथ आज हमारा होने वाला है फिश बारबेक्यू। सर्दियाँ चूँकि बस कराची में समझें ख़त्म होने को है, बिल्कुल ही अब जाने वाली हैं। फरवरी की आज जो है वो 4, कल 5 तारीख है, कश्मीर डे भी है। वैसे भी बारबेक्यू तो होता ही है हमारा सर्दियों में। दोस्तों से मुलाकातें हो गई हैं कम, तो इस बार उनसे विंटर में कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया बॉन फायर का छत पे। और वरना मैं आपको बताऊं कि ये जो है कमरा हमारा, ये देखिए, ये ख़ास हमने कमरा बनवाया था दोस्तों के लिए। बनवाया था क्या है, ये हमारा दोस्तों का गैदरिंग का रूम है सैटरडे नाइट का। दिखाता हूँ, ये हमारा सैटरडे नाइट का रूम है। यहाँ पर जो है ये हमारा कमरा है दोस्तों का। और वो क्यों है, यहाँ पे हम बैठ के हर सैटरडे को सीक्वेंस खेलते हैं। यहाँ पे चाय वगैरह भी बनती है, बर्तन वगैरह खाने पीने का सारा सामान हमने यहीं रखा हुआ है। ये एक्चुअली अब दोस्तों के लिए कम और स्टोर रूम ज़्यादा बन गया है। ये सारा मेरा कैंपिंग का सामान और ये स्लीपिंग बैग्स और ये सब पड़ा हुआ है। ये बाइक के बॉक्सेस हैं, ये सारा कैंपिंग की चीज़ें हैं, ये लगेज है, ये कुर्सियाँ भी बाहर जाएंगी। और ये समझे कि एक स्टोर रूम बन गया है। और यहाँ हम गैदरिंग करते हैं दरी बिछा के इस एरिया में, और सीक्वेंस वगैरह खेलते थे हर सैटरडे नाइट को। अब हो गया है ये सिलसिला कम यूँ हो गया है कि मेरे ट्रिप्स वगैरह चलते रहते हैं, मेरा घूमना फिरना लगा रहता है, तो इस वजह से जो है वो मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ। लेकिन विंटर में एक हमारा फिश बारबेक्यू तो लाजिम है, वो तो होता ही होता है। तो आज हमने सोचा कि फिश बारबेक्यू रख लेते हैं। तैयारी हमारी हो गई है, सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। ये कोयले पड़े हुए हैं, उसमें फिश बारबेक्यू हो और मॉल्ट्स ना हो तो यार ये तो हो ही नहीं सकता। ये पेपर प्लेट्स जिसमें फिशेज एंड प्रॉन्स हैं, ये सीखे रेडी हैं, चाय का सामान भी है। तो ये सीन है आज का। हमने सोचा एक ब्लॉग बनना चाहिए इसका भी।
मेरी तो हमेशा से बहुत बड़ा सर्कल रहा है, बहुत सारे दोस्त रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों के जो है ना, मेरा कैटेगरी इस तरह होती है कि कॉलेज के अलग थे, स्कूल के अलग थे, मोहल्ले के और एरिया में रहने वाले अलग थे, कज़न्स वगैरह का दोस्तों का ग्रुप अलग था, क्योंकि बाइकर्स का ग्रुप भी है घूमने फिरने वाला जिनके साथ मैं बाइकिंग पे जाता हूँ, अनिफ लाला, अब्दुल कादिर और वो मुजम्मिल और वो सारे जो लोग हैं जुनेद वगैरह, तो वो सारे भी होते हैं, तो उनके साथ एक अलग गैदरिंग और एक ग्रुप है, खाना पीना उनके साथ और गैदरिंग जो घूमना फिरना लगा रहता है। आज जो ग्रुप है, आज के जो दोस्त हैं, ये मेरे बड़े ख़ास और बड़े स्पेशल दोस्त हैं, क्योंकि ये हैं मेरे चड्डी बडीज़ जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। इनका साथ जो है ना, वो तकरीबन आप समझें कितना हुआ होगा, आई थिंक 25-25 साल, शायद 30 साल मे बी, जब या शायद थोड़ा कम कर लें, चलें थोड़ा सा कम हो जाएगा, 15 साल 18 साल इतना कुछ होगा। तो इनके साथ है बहुत पुराना दुख सुख में, मेरे ख्याल से मैं क्लास 7-8 की बात करूं, अगर मैं 7-8 की बात है, 2000 से पहले की बात है, 96-97 से ये वाले जो दोस्त बने हुए हैं ये हैं, और इनमें एक आध एडिशन भी हुआ बाद में। अब्बास वाडिया जिसको आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं, वो भी इसी गैदरिंग का, इसी ग्रुप का हिस्सा था, और वो ज़ाहिर है दूसरे ग्रुप में भी हमारे साथ शामिल हो गया, और हमें दोनों को घूमने फिरने का शौक था। बाकी आप जो जो चेहरे देखेंगे आज, वो नए चेहरे देखेंगे, तो ये जो है, ये हर दुख सुख में साथ रहे, छोटे से लेके बड़े आज हम यहाँ पहुँच गए, गैदरिंग्स हों, साल में मिलना जुलना, और ये वो दोस्त होते हैं चड्डी बडीज़, जो आपकी मुलाकातें अगर महीनों महीनों भी ना होना, तो इनके साथ एक ख़ास कनेक्शन, एक ख़ास बॉन्डिंग रहती है, ये बात तो आप एग्री करेंगे। इनके साथ ऐसा एक आपका अटैचमेंट होती है कि आप जो है वो मिले भी नहीं और उनसे कोई मैसेजेस पे बातें भी ना हो या कुछ भी ना हो ना, लेकिन इनके साथ एक ख़ास आपका एक वो रहता है, बॉन्डिंग रहती है। एक्चुअली उनका मसला नहीं है, मेरा मसला है, मैं बिज़ी हो गया हूँ, वरना वो तो मिलते रहते हैं। तो आज आ रहे हैं ये मेरे स्पेशल दोस्त, सारे के सारे स्पेशल दोस्त बोलें, बचपन के दोस्त बोलें, चड्डी बडीज़ बोलें, और इनमें से भी कुछ मिसिंग है, 3-4 जो हैं वो बाहर चले गए हैं, बस अभी छत की लाइटें शाइटें खोल दी हैं, तैयारी कर ली है, थोड़ी देर में ये मेहमान, ये दोस्त हमारे आते ही होंगे, जिनके साथ गपशप लगेगी, जिनके साथ खूब अल्लाह गुल्ला होगा, मस्ती करेंगे, फ़िश बारबेक्यू करेंगे, मॉल्ट्स भी पियेंगे, और लेट नाइट तक गैदरिंग भी चलेगी शायद, अगर मूड हुआ, हिम्मत हुई तो देखते हैं कब आते हैं ये लोग। इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ काफ़ी देर से, तैयार बैठे बैठा हूँ, चीज़ें सारी ऊपर पहुँचा दी है, लेकिन ये लोग अब तक आए नहीं हैं। ये लोग आते हैं तो शुरू करते हैं बारबेक्यू, आते हैं तो मुलाकात कराता हूँ आपसे। 2000 years later. पहला लड़का आ गया हमारा, देर लगा दी, खुला अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला लड़का नहीं है, ये तो हमारा वाला छोटा लौंडा है, सबसे छोटा अली जवार। कैसे हो? ये भी हमारे साथ फिश बारबेक्यू मैच हो गया, पानी में उतार तारे तारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। ये देर लगा दी यार, यार क्या करें, हर जगह दावत दावत, सबसे पहले वालिद के जाना होता है ना भाई। अब हम करते हैं तैयारी शुरू, है ना, वो कोयले भी लगा रहे हैं, आग दिखाता हूँ मैं, लो बस। अली आप पीछे हो, आप पीछे हो, ये हटा लेना तेल का, और डालो तेल, डालो और डालो, और डालो, हाँ आप लगाओ, दूर तेरी तेल, तेल को बोतल दूर करो। अच्छा जी, ये देखिए आग लग गई है कोयलों को, फिश बारबेक्यू स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग।
अब्बास साहब का काम है इस पर आग लगाना पूरा। आज हमारा बारबेक्यू करेगा ये अब्बास। अब्बास आपके दोस्त आ रहे हैं? आपके भी दोस्त आ रहे हैं? चलें, जी डबल गैदरिंग हो गई। इसकी भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। आज हम कर रहे हैं फिश बारबेक्यू। शर्मा क्यों रहे हो? अभी सही से कोयले लाल करो, सही से अच्छे से जला दो, फिर हम इस पर फिश लगाते हैं। खामा का बोल रहा था ना वो। बोले बोले खुल के बोले, क्या पसंद नहीं है? मैं कह रहा हूँ बोल दो अब आ गया। नहीं, हर किसी को अटैचमेंट साथ पसंद नहीं होती, इसलिए आपका गोप्रो नाराज हो गया। आप पहले कुछ और बोलना चाह रहे थे। अभी क्या समझ गया? समझ तो आप गए होंगे। ये इनका मैं तारुफ करा दूँ, ये भी हैं हमारे चड्डी बड़ी में शामिल, हमारे साकिर भाई। साकिर लौंडा लग रहा है, चिकना लौंडा ही है भाई। अच्छा जो है ना, इनका तो मैंने तारुफ करा दिया, अब्बास को नहीं कराया। ये है अब्बास, वो मेरा बेटा अब्बास। हमारी गैदरिंग में जो है ना, वो ख़ास बात है, सारे दोस्तों की गैदरिंग में सारे दो दो नाम वाले। सज्जाद दो हैं, दो है ना? हाँ, एक तीन सज्जाद हैं। अब्बास एक ये है, एक अब्बास वाडिया जो आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं, और रज़ा भी दो है। आबिद काजिम हुसैन शाकिर, ये चारों बंदे एक एक हैं। ये वैसे एंटिक पीस है, यूनिक पीस है, इनका कोई वैसे नहीं होता है भाई। शाकिर भाई ये देख रहे, दिखने में यूनिक लग रहा है बंदा, तो आप सोचो इससे बात करके आपको कैसा लगेगा। इसकी बातें सुन के आपको वैसे ही लगेगा ये वैसे ही यूनिक है, बिल्कुल नमूना है। ये तो बहुत कॉमन सा आदमी है, बड़ा सादा सा बंदा बंदा है ये, और बहुत ही कॉमन मैन, कॉमन मैन नाम भी इतना कॉमन है। ये अब्बास है, मेरा बेटा भी अब्बास है, इसके बेटे का नाम भी अब्बास है, एक अब्बास वाडिया जो जो हमारे साथ बाइकों पे होता है। इतने सारे दो दो जो है वो हमारे पास जो है, कौन है? दो रजा भी, दो, एक रजा पंजीतन वाला और एक रजा मेरा भाई। हाँ, हम गाड़ी वाले हैं। ये आया कार्टून। सलाम अलैकुम। काफी टाइम बाद पाकिस्तान टूर के बाद आपसे मुलाकात। ये हमारे जो है वो काजिम भाई है, काजिम बाबा साहब। ये अपना तारुफ थोड़ी देर में आपको मैंने इनको सिखाया कि ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। देखा, तारुफ मिल गया। अब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करा रहा है, छोटे लोगों को सिर्फ डोमेस्टिक पर रहना। सबको अलग अलग बोल रहा है। सबसे पहले हमने डिसाइड किया है प्रॉन्स से स्टार्ट करेंगे, जब तक और लड़की नहीं आते तब तक हम प्रॉन्स खाएंगे। हाँ सही लगाया, और लगाओ, छः लगाओ, एक सीख सही है। इसने लगा लिया बोल, कितने हो गए? चार हो गए। लगा और लगाओ, हो जाएंगे। आजा आबिद, तू नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगा। देख देखिए, देख, 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 ये आ गए हमारे हैं अल्लाह की कसम। देख, ब्लॉग देख रही होगी। अब मैं ये एडिट नहीं करूंगा, मैं डालूंगा। अब मैं ये एडिट नहीं करूंगा, मैं डालूंगा। हैं कितने कौन याद रखेगा? आप ये बोले, आपने फरमाए जुमलों की अदायगी सोच समझ के कि आप कहे जी जी, आप मैं कितने याद रखूं? कितने याद रखूं आप बताएं? नहीं, मैं क्या बताऊं? पहला प्रॉन बारबेक्यू सागे, तीन सीटें बना रहे हो? अच्छा, तूने खाया? ला दो, थैंक यू। सही तो बना है, लाइक और दे मेरे साथ। तो सही है, आप लोग बोल लोगे तो और पका दो। वाह वाह वाह, प्रॉन बारबेक्यू
सर्दियों में मज़ा आएगा। क्या कर तू निकाले जा रहे हो खाए जा रहे हैं? क्या जाहिर बात है, चखते आ रहा हो ना? दिखाई इसमें क्या होता है भैया, पकाते जाओ चखते जाओ। हाँ अच्छा, पकाते जाओ खाते जाओ चखते जाओ, कितना चखेगा तू? बस वो पहले वाला कच्चा था, ये देखते ये सही है। चखने पड़ते हैं, लड़के बोले कच्चा है तो मुझे तो बाबा चखना पड़ेगा ना। तू चखने चखने पूरी सीख, जब तक कच्चा है तुम्हें पूरी सीख कहा जाता है। कौन सा खत्म खाएगा? वैसे क्यों लगते हैं पता है? घर पे नहीं देखते तुम? अभी देख रहे? चल देख रहे ना, अच्छी बात, देखता रहे देखता रहे। एक्सपर्ट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। नाज़रीन नाज़रीन आबिद भाई फिलेज लगा रहे हैं। जीवात्रा ना को फैजियान जीवात्रा। उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। नाज़ उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। नाज़ उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। सुर है तू हुस्न का वो शैफारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू हुस्न का वो शैफारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। नाज उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। जीरा वो कच को लसाया जीरा, तई उसने मन वो फकीरा। नाज उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाल। है नाज जानी नाज से बनाज उसने वाला वो दिल मने गुर तक लाला। क्या हुआ फिश का भाईजान? तो पहली तो तुम खा गए पूरा पहली शिफ्ट, तो मैं तो ड्रोन उड़ा रहा था। उसमें क्या दो पीस तो आए थे हमारे पास, तो मैं तो एक पीस भी नहीं मिला। यार अभी आपको पता नहीं है, आप छोड़ दो, जिस तरीके से आपको ट्रैवलिंग करना सिखाई है आपको मछली पकाना भी सिखा देंगे। फिश बारबेक्यू हो और मॉल्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ये घबराएगा नहीं, इसकी सिर्फ शेप और बोतल ऐसा है, वैसे ये नॉर्मल जूस ही है, ऐसा मछली की बात नहीं है। लोगों ने इसकी शेप की वजह से ज्यादा चला दी, मार्केट में शॉर्ट हो गई, वरना है कुछ भी नहीं, लगती बियर की बोतल जैसी है, ये नॉर्मल मॉल्ट जूस ही है। ऐसे कैसे आ रहा हूँ मजा आ गया। वाह
लो अली, अली ये लो फिश। ये मेरा बच्चा, ये शेर खा लो। ये बंगाली है, बंगाली नहीं बोल यार। बंगाली कहाँ से आ गया? मछली खाने वाले। तो तू भी खा रहे? तू भी बंगाली? सब बंगाली। तो दोस्तों भी बोलते चलते पे खाते हैं भाई, हम ऐसे ही खाते हैं। मुलाकात कब तक करेंगे कि आओ आओ कहो। ये ले भाई, अब बात आ जा। वाली वापस आए, बंगाली हमारे भाई है यार। कैमरे में बोले जरा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलो बोलो भाई, क्या पी रहे हैं यार? अस्तगफुरुल्लाह नहीं बोलो, ये माल्ट है खाली खाली, लगती है ऐसी भाई बियर की बोतल जैसी है, कुछ भी नहीं है। ये माल्ट लेके आ रहा हूँ, अच्छे से प्रमोट करें इसको। अब आप ये वाला उसे हमें कोई दिखाना चाह रहे हैं, ये इनकी इन्वेंटरी है। फिश और मॉल्ट ना हो, ये ठंडी ठंडी मॉल्ट। आ जाओ आ जाओ, बाहर ले आता। आ जाओ या लो जी, किस किस को लेनी मॉल्ट? गिलास को गिलास। बच्चा आया है खास, बेचारा भागते हुए आया है। ये देख ले, खोलो। हाँ प्लीज खोले। ठकाक वाह भाई वाह, क्या बात, मजा आ गया भैया। बाल भाई फिश आपने खाई सही से? बच्चों तुम लोगों ने खाई बेटा? साथ साथ खाते रहो, हम छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे सारे, हम पागल हैं फिश के पीछे। भाई चीफ गेस्ट आ गया हमारे। ये आ गया मेरा दोस्त चड्डी बड़ी, माय लव। सलाम अलैकुम, कैसे है? खैरियत? ग्लैड कि तू आ गया। नहीं बिल्कुल आएंगे, आ गया तू ग्लैड। ये मेरा एक और दोस्त रजा, हमारी गैदरिंग का हिस्सा। नज़र नहीं आएगा, पहली बार मुलाकात है आप लोगों की। ये भी पापी है मेरी तरह। आ जा आ जा भाई। रजा शर्माओ नहीं रजा, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये एडिट भी नहीं करेगा। नहीं करेगा, एडिट करेगा, एडिट करेगा। लेकिन लव है ये तो दुनिया जानती है कि हुसैन लाखानी लव आजकल है ना। सही 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 है, सही है। कौन कर रहा था तेल? तूने गिराया? ये कौन है? प्रजात। कोई बात नहीं, गिरता रहता है। अब्बास भाई खड़े हैं ना भाई? इसमें नहीं बहुत है। नहीं नहीं, मैंने कुछ इसलिए नहीं, इसके क्या नहीं, बेचारा अच्छे काम कर रहा है भाई। ये जो है वो अब्बास के दोस्त हैं, यही फिश बारबेक्यू कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, हमने तो छोड़ दिया, हम तो बैठे आराम से अपने ड्रोन वोन बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब्बास और उसके दोस्त ही बनाए जा रहे हैं फिश। फिश ये देखो अपने कैमरे में लगा हुआ, पका नहीं रहा है फिश, अपनी टशन मारने में लगा है। क्या पोजिशन है भैया? पूरे पांच लोग देख रहे हैं, मछली मान नहीं रही पकने पे। मछली को बोला ऐसा नहीं करो यार, बहुत देर हो गई, भूख लग रही है, इतना जिद नहीं करो यार। ये बीच का जो टुकड़ा गायब है ना, वो यहाँ है और वो इसके मुंह में नहीं घुसे। खा रहे ला? ये चलो फिश का तो शौकीन निकला। क्या बोलते हो रजा भाई? A1 है, जबरदस्त है, सही पक गई है। शाकिर उठाना यार, चेक करके दे यार, हम लोग को ऐसे मत दे। चेक करके बता ना। पक्की भी है? पक्की भी तो है लेकिन कांटे नहीं आए। कांटे तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। पप्पा पप्पा नहीं आए भाई की लेना वीडियो। पप्पा कैरम खेल ले भाई की ले आप। पप्पा कैरम खेल ले। कुछ बोल रहे हैं भी आ जाता, वैसे प्रोग्राम प्रोग्राम करते होते होता है ना, करना पड़ता है। हम लोग गालियाँ देते हैं, हर जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे से बातें कर रहा हूँ, तो लोग इसे इतना गालियाँ देते हैं, क्या सबसे रहते हैं। उसे भाई मैं काम नहीं छोड़ूंगा अपना, कोई बात नहीं, लगा रहूँगा। तू बोलना बोलना, अभी खुली तो बहुत दूर तक जाएगी, मेरी खुली जाएगी। अच्छा मेरी डालो, मैं रिकॉर्ड मेरे को नहीं डालूंगा, व्लॉग नहीं डालूंगा। सोना है? अरे जाना है? अभी नहीं जाने मिलेगा, बहुत दिन बाद करने मिली है। अभी चाय वाय पीते महीने बाद आ रहे ज़्यादा, महीना डेढ़ महीना हो गया।
पहले तो तू गायब था बाबा। मैं अभी भी गायब होता हूँ आजकल तो पता है भाई, यूट्यूब पे आ गया तो कहीं ना कहीं कंटेंट बनाने जाना पड़ता है। बॉनफायर लगाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। अरे हुसैन उसके लिए मुबारक, ब्यूटीफुल बाइक। अरे थैंक यू यार। मजे मजे के फिश को मॉल्ट और उसके बाद ये हो स्वाद के जी संतरे। हीरा 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 क्या आए 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 डांगरी और फिश के बाद तो ये खाने का मजा ही हो जाएगा। तकरीबन बराबर बराबर भाई। आ जा भाई अभी और काटता हूँ। अभी कौन सी स्वाद के संतरे आप लोग के लिए फिश के बाद स्पेशल। थैंक यू फुल। हमने तो आपसे रिक्वेस्ट भी की थी इसका बैग खोल दे। आए 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 आ जाइए यार। और जरा बताइए अभी यहाँ खोली थी ना इससे दुकान छूटने के बाद यहाँ खोला था। हाँ ये जो नई वाली इधर इधर भी तो 80 का फ्रॉड किया है 90 का ये कुछ के है। ये फ्रॉड करके मेरी बीवी है कुमार के पास की भी आ गया। अभी फिर इधर भी कोई बंद की यार एक कप कम है ना बीवी का माल था उन्होंने वापस लिया और उसके बाद फिर जो है वो नहीं है फिजा होम में वो शब्बीर भाई रहते हैं। ज़ूम करके लिए चाय की बना रहा हूं यार। बहुत ज़ूम करके लिए नहीं ज़ूम करके नहीं लिए। वो जो थैली आ रही थी ना माल्टे नजर नहीं आ रहा था नहीं काजी भाई माल्टे खा रहे हैं ये क्लिप बना रहा हूं। आप तो आ रहे हो तो आगे भाई हुसैन हाँ। चाय का लुत्फ और होता अगर मुस्तफा नागौरी का दूध इसके अंदर होता। एक जो बहस चली रही है जो गुजरात से गुजरात की तो बहस पूरी बात निकल गई इस पे गाना नहीं आएगा भाई वो फिश वाली पे गाना आएगा। इस पे तो ये बातें रिकॉर्ड हो रही है। स्पॉन्टेनियस बाबा स्पॉन्टेनियस ये ब्लॉग बन रहा है। मैं प्रमोट नहीं करूंगा। और भी चीज में बहस तो मेरे माल्टे खाते हुए इसको डिसलाइक हम करेंगे। क्या बाप के ऊपर है मजे ले लेके खा रहे स्वाद के माल्टे तो और क्या कैसे खाते हैं यार। पेट में दर्द हो जाएगा। क्या बोले कहाँ जाएंगे क्या बोले थे कहाँ जाएंगे हम गिलगित बल्तिस्तान। क्यों जाएंगे वो याक खाने के लिए। अभी आप रिकॉर्ड होगी या बोलने जाएंगे जब जा रहा हूँ ना आवाज मारूंगा आप सबसे पहले होंगे जो बोलेंगे मैं नहीं जा रहा। तो तुम यार असल में हम थोड़ा आप खुद फील होते हो तो निकल जाते हो दूसरों को भी देंगे। भाई यही होता है ना रजा क्या होता है बंदा अवेलेबल है मैं जा रहा हूँ किसको ज्वाइन करना है कर ले साथ। ऐसे ही होता है सबसे पहला नखरा इसका आता है मैं नहीं हूँ मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं खा रहा हूँ खुदा की कसम मैंने कभी ऐसा नहीं बताया। मैं बताता हूँ फिर एंड मौके पर सभी मैं जा रहा हूँ। साकिब की फिश आ गई है लाइट में लाएं जरा खोलो इसको देखें लंगरिया कैसे इंतजार कर रहा है इंतजार में बैठा हुआ है कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आए मेरी उंगली नहीं उठा सबसे ज्यादा उंगली पर जैसे कि आप देख लेना कि ये अच्छा काम किया है मैंने लाइट मेरे पास भी पड़ी हुई है लेकिन मैंने लगाई भी नहीं। क्या शेर था जितना भी आप हैं उसकी शक्ल देखें बीवी से बात करते हुए कैसी हालत हो जाती है उसकी ऐसा अरे ऐसा दबद भी हंसी कितना खुश था कितना खुश था देखो जो बात करते कितनी खुशी थी अच्छा जी बातें तो चलती रहेंगी और गैदरिंग लगी रहेगी। फिश बारबेक्यू हो गया खत्म खा पी लिया चाय पी ली खाओ पियो बत्ती बजाओ सो जाओ। एक बंदा तो चला भी गया हमारा और इनमें से भी अब कटने वाले हैं। फोन आ गया जाके भाई को इतने जाने का टाइम हो गया है। अगले आबिद का वैसे ही टाइम हो गया है। अगले साल बारबेक्यू अगले साल होगा लेकिन वैसे तो व्लॉग में इन लोगों से तो मुलाकात होती है लेकिन इंशाल्लाह फिश पार्टी ओवर। दोस्त वगैरह सब चले गए हैं लाइटें वाइटें मैंने बंद कर दी है और बस अब मैं भी जा रहा हूँ सोने क्योंकि रात बहुत देर हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले किसी वीडियो में अगले किसी व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।